मेरा नाम आरिंद्र अरोड़ा कुकी है। क्या कहना चाहते हैं? मैं पार्षद हूँ वार्ड 50 से जनकपुरी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है जो इस वक्त गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मतलब ये है कि हम पानी के लिए बार बार सभी अधिकारियों से कह चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं है, जबकि ये मेन समस्या है। उनको बहुत ध्यान देना चाहिए इस पर। सवेरे 6 से 9 का कह रहे हैं कि पानी खोलेंगे, हमने कहा चलो इतने में भी हम काफ़ी हैं, लेकिन 9 बजे तक पानी आए भी तो वो तो 6 बजे शुरू नहीं हो पाता है, 7 बजे शुरू करते हैं, 8 बजे बंद कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या है इस टाइम पानी की, और इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगर ये नहीं मानेंगे तो हमें मजबूरी में मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत करनी पड़ेगी। अभी बना दो, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है, भैया है ना, लाइट चली जाती है, फॉल्ट हो जाता है तो फेस उल्टे हो जाते हैं, रात रात भर कोई सही करने नहीं आता। पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ तीनों वार्डों में क्या, और भी आसपास के वार्डों में भी होगी, लेकिन ये है कि कोई सुनवाई नहीं है। सब अधिकारियों को कह लिया, सबसे कह लिया, यही रोजाना बातचीत होती है कि साहब हो रहा ठीक हो रहा। कहना चाहती हैं मैडम? मैं शशि सक्सेना वार्ड 67 की पार्षद हूँ। जी सुबह होते ही लोगों के फोन आना शुरू हो जाते हैं, और आज 1 हफ्ते से पूरी जो है पब्लिक परेशान है। इतने फोन आते हैं कि हम लोग ना अपना घर कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। क्षेत्र में इतनी ज्यादा विकराल समस्या ले लिए पानी की, ना मंजन कराए ना कराए, सॉरी ना नहाए ना धोए, और ऐसे ही आके बैठ गए, मजबूरी में आके बैठ गए। हम सुबह से अजीत को कई बार फोन कर चुके हैं, और नगराज जी को भी करा, नगराज जी का फोन उठता ही नहीं है, ना नगराज जी से हमें कोई रिस्पांस ऐसा मिलता है कि हाँ कि भाई कि क्या बात है, आप लोग क्यों परेशान हो। हम किससे कहेंगे अपनी समस्या? अधिकारियों से तो कहेंगे, पब्लिक हम लोगों को चुनती है तो पब्लिक हमसे अपेक्षाएं करती है। सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है हम लोग रहते हैं पब्लिक के, अगर हम उनकी समस्या का सलूशन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ठीक है? मैं विनीत टंडन। क्या कहना चाहते हैं टंडन जी? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, 1 हफ्ते से पानी के लिए बहुत परेशान हूँ, और मेरी हफ्ते में सिर्फ एक ही छुट्टी होती है बृहस्पति की, जो आज मैं सुबह 5:30 बजे से मोबाइल में अलार्म लगा के पानी चलाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मगर मेरे को पानी नहीं मिल रहा है। तीन दिन हो गए, पूरे 3 दिन से परेशान हूँ पानी के लिए। पानी की बाल्टी भर भर के सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ, सेकंड फ्लोर पर छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, वो ऊपर पानी बाल्टी भर के लेके जाते हैं तो काम चला रहे हैं। हमारी पार्षद जो है सतीश सक्सेना जी से मैं 1 हफ्ते से संपर्क में हूँ, आज सुबह मेरी गौतम जी से ही बात हुई है, आपके जो महापौर जी हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो आपके क्षेत्र में आता रहता हूँ, मेरे को आज तक मुझे बोले 100 बार मैं आ चुका हूँ, 100 बार में मुझे एक दिन भी मुझे नहीं दिखे उन्होंने कि जो जनता के बीच में संपर्क में आए हों। इलेक्शन के बाद से आते उनकी शक्ल ही नहीं देखी मैंने। अब किस चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को पानी की आपूर्ति पूरी तरह से मिलनी चाहिए, मेरे पूरे क्षेत्रवासियों को मिलनी चाहिए, मेरी अपनी समस्या नहीं, मेरे पूरे क्षेत्रवासियों की समस्या है, जिसमें हमारे 3 पार्षद जो यहाँ मौजूद हैं आज की डेट में, सतीश कांति मम्मा जी, आर्यन अरोड़ा कुक्की जी और सतीश सभासद जी, सुबह से मेरे संग बैठे हुए हैं, सुबह 8:30 बजे से यहाँ पे हम लोग, और अभी तक कोई भी मतलब अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, ये कह के आश्वासन दिया जा रहा है हमें 3 घंटे से। ठीक, क्या नाम आपका? सतीश चंद सक्सेना, कातिब मम्मा, पार्षद वार्ड 23 इंदिरा नगर बरेली। क्या कहना चाहते? बरेली शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं है, जनता त्राई त्राई कर रही है, सरकारें बदल गई, अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली, आज भी अधिकारी सपा बसपा की मानसिकता अख्तियार किए हुए हैं। नगर आयुक्त जी को फोन करो, उनका फोन अटेंड नहीं उठता है, और फोन ना उठता है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन कभी रिंग बैक भी नहीं आती है। ये क्षेत्रीय पार्षदों की पीड़ा है तो जनता से क्या तालमेल रहता होगा। आज भी मैंने सुबह 8:07 पे नगराज जी को फोन किया और उनका फोन अभी तक रिंगबैक नहीं आया। इसकी सूचना हमने माननीय महापौर जी को अपने दी, माननीय महानगर अध्यक्ष जी को अपने दे दी, और जेई और तमाम लोगों को इस संबंध में हमने व्हाट्सएप के द्वारा भी सूचना दे दी। ये वार्ड 23, वार्ड 50, वार्ड 67, वार्ड 8 की ही नहीं बरेली शहर की समस्या है, ख़ास तौर से जब लाइट चली जाती है, फॉल्ट हो जाता है, फेस उल्टे हो जाते हैं, उन्हें पाके बिहारी
पानी की टंकी, जनकपुरी ट्यूबवेल, इंदानगर ट्यूबवेल, यहाँ बैठे हुए चंद्रशेखर आजाद पार्क ट्यूबवेल पानी की टंकी, डीडी पुरम पानी की टंकी, इस प्रकार से अनेकानेक स्थान ऐसे हैं जहाँ बिजली के फॉल्ट के कारण फेज जब उल्टे हो जाते हैं। हमारे नगर निगम का इलेक्ट्रीशियन झाँक के नहीं देखता है, कल रात के 9 बजे के फॉल्ट और सुबह 8 बजे तक हमारे सूचना देने के उपरांत भी ठीक नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि इस समय आप देख रहे हैं घड़ी में क्या टाइम हो गया, 3 घंटे बैठे हुए हैं और 3 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का ना फोन आया है, ना कोई संपर्क, ना कोई सूचना। हमारे हम तीनों साथी पार्षद श्रीमती शशि सक्सेना, श्री आर्यन अग्रवाल कुकी, सतीश काते मम्मा, हम तीनों लोग स्थानीय लोग धरने पर बैठे हुए हैं और यही स्थिति रही। हमारी सरकार और जनता के लिए हमें धरने पर बैठना पड़े, ऐसे निकम्बे नाकारा अधिकारियों को डूब मरना चाहिए।